तुम लोग कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो? पूछो पूछो पूछो। उसको एक घंटा बैठने कहो, 2:30 बजे मिलूंगा उससे, पेन का ऑर्डर दूंगा, फिर अभी अपनी एप्लीकेशन खुला उसको। नहीं, ये ब्लैक कॉफी है, ठीक है? ठीक है, लास्ट क्लास देखते हैं कहां तक हुआ था। जल्दी से मैं केस समाप्त करता हूं, वो क्या बाद में करूंगा, ठीक है? आज समाप्त करने के बाद, कल कहां तक हुआ था? नोट हो गया था, वेन द वर्ड एल्स पला हो गया था ना, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं केस, और केस में ही कहा था कि संबन संबडी। वापिस आ जाइए, कम टू द पॉइंट बच्चे। सीधा हम लोग केस में आ गए हैं, और केस जो कल पढ़ाया जा रहा था, यानी अपोस्ट्रोफीस कहाँ लगाते हैं, राइट? तो हमने एक बात कहा था कि संबंध संबडी नो वन नो बडी में अपोस्ट्रोफीस लगाया जाता है, लेकिन जब इसके साथ एल्स नामक शब्द आ जाए तो अपोस्ट्रोफीस एल्स एल्स के पास चला जाता है। ये बात हुआ था, यही रूल था यहाँ पे, नोट हो गया था। नोट के बाद अगला रूल क्या है, देखिए गौर से अगला कॉन्सेप्ट। अगला क्या कहता है समझिए तब लिखिएगा। अगला कहता है कि अपोस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद पर्टिकुलर इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कुछ खास इडियम्स फ्रेज के साथ भी अपोस्ट्रोफ एस लगाया जाता है। अब इडियम्स फ्रेज क्या है, जैसे देखो एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ एक इडियम्स फ्रेज है, इसका हिंदी होता है दूरी बनाए रखना या कोसों दूर। लव्स लेबर्स लॉस्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, जबरदस्त घृणा, ठीक है? लव्स लेबर्स लॉस्ट, जबरदस्त घृणा, जबरदस्त नफरत को हम बोलते हैं, ठीक है? उस तरह से एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, थोड़ी दूर, हेयर्स ब्रेथ स्कैप, स्कैप एक साथ यहाँ पे है, यहाँ पे गलत दे दिया, इसको सही कर लेना, ई एस सी ए पी होगा यहाँ, ठीक है? बाल बाल बचना, विट्स एंड, यहाँ बिथ नहीं हो, बिट्स टी एच नहीं होगा, यहाँ पे होगा विट्स एंड, अपोस्ट्रोफीस विट्स एंड, समझ से परे, ठीक है? इसको आप कर लीजिए, एस ओ एस कर दीजिए, ई एस सी ए पी स्कैप, स्कैप मतलब बाल बाल बचना। पता है एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में यहां से एस हटा देगा, कुछ और लगा देगा, है ना? ये सब क्वेश्चन आएगा तब बनेगा आपसे। अब एक नीचे नोट लिखवाऊंगा, आज हम लोग केस समाप्त करने जा रहे हैं। केस समाप्त करने के बाद नाउन का टेस्ट कंटिन्यू चलेगा, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। हिंदी भी लिख दिया गया है ताकि फ्रेज का मतलब समझ में आ जाए। विट्स एंड, डब्ल्यू आई टी अपोस्ट्रोफीस एच नहीं है, विट्स एंड है, जो अगला वर्ड है विट्स है, डब्ल्यू आई टी अपोस्ट्रोफीस एच नहीं है, विट्स एंड, हिंदी होता है समझ से परे, विट्स एंड समझ से परे। एट आर्म्स लेंथ दूरी बनाए रखना, लव्स लेबर्स लास्ट
कहीं कहीं LAST भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। लॉस्ट, जबरदस्त नफरत। एट अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर। हेयर्स ब्रीथ स्कैप, बाल बाल बचना। विट्स एंड, समझ से परे। विट्स एंड, समझ से परे। अब नीचे लिख लिया था, एक नोट लिखिए, NOT नोट। यहां पे लास्ट में एक NOT नोट लिखिए। नोट में लिखिए इस तरह के और भी फ्रेजेस पढ़ने के लिए, इस तरह के और भी फ्रेजेस पढ़ने के लिए, इस तरह के और भी फ्रेजेस पढ़ने के लिए DSL वोकैब बुक वॉल्यूम 2, DSL वोकैब बुक वॉल्यूम 2 से पेज नंबर 100+ से संपर्क करें। वोकैब बुक पेज नंबर 100+, मतलब 100 को आगे ही होगा सब, पेज नंबर 100+ से संपर्क करें। 100 के बाद मिलेगा ये सब चीज। एडियम फ्रेज वहीं स्टार्ट है, ठीक है ना। मतलब और भी फ्रेज अगर चाहिए तो 100 पेज आगे जाएंगे तो आपको वहां एडियम फ्रेज मिलेगा। और ऐसे भी इस बैच में आज के बाद एडियम फ्रेज स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, ठीक है। हर दिन 5-10 वो कैब एडियम फ्रेज आपसे पढ़ाऊंगा और अगले दिन पूछा जाएगा। इस तरह से वो कैब का अगला चरण भी शुरू होगा धीरे धीरे, चूंकि अब आप लोग सेट हो गए इस बैच में, एडमिशन क्लोज कर दिया गया ऑलमोस्ट, तो इस बैच में धीरे धीरे एडियंस फ्रेज पढ़ाया जाएगा, वो कैब एक लेवल पे काम करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया था, कम हो गया। तो ये अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग एडियम्स फ्रेज में किया था, लेकिन ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एट आर्म्स लेंथ है तो है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते, और न हिंदी बदल सकते हैं कि एट मतलब पर, आर मतलब बांह, का लेंथ मतलब दूरी, नहीं, ठीक है ना। लव मतलब मोहब्बत का, लेबर मतलब परिश्रम का, लॉस्ट ऐसा नहीं होगा। ये फ्रेज का मतलब है, लिखा कुछ और होगा, हिंदी कुछ और निकलता है, समझ गए ना। इसलिए सब डिक्शनरी में सर्च नहीं किया जाता, जो है वैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट कहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अपोस्ट्रोफ और अपोस्ट्रोफ एस, या तो अपोस्ट्रोफ हो या अपोस्ट्रोफ एस हो, कैन बी यूज्ड, यूज किया जा सकता है विथ पर्टिकुलर नेम विच एंडिंग विथ एस, एंडिंग विथ एस। ये समझ में कैसा है तो समझिए गौर से, इसको समझाने का प्रयास मैं यहां करता हूं। देखिए यहां समझिए, यहां पे कहा जा रहा है, आपको एक बात समझाया था ने पिछले क्लास में कि जिस शब्द में एस लगा होता है वहां अपोस्ट्रोफ एस लगता है क्या, वहां अपोस्ट्रोफ लगता है सिर्फ, वहां सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड है डिकनेस, अब डिकनेस में डबल एस है, तो डिकनेस ने एक थ्योरी दिया है, डिकनेस थ्योरी। अब मुझे बोलना है डिकनेस का थ्योरी, अब का बोलना है तो डिकनेस एक नाम है, अब इसको डिक्शनरी मत खोजना, नाम है किसी व्यक्ति का, अंग्रेजी में अंग्रेज का नाम है, हिंदुस्तान का नहीं है। तो डिकनेस ने एक सिद्धांत दिया है, तो डिकनेस में अगर हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो कहता है गलत हो जाएगा, लेकिन 4-5 नाम ऐसे हैं जो एस से अंत होने के बावजूद भी अपोस्ट्रोफ एस लगाया जा सकता है। जैसे डिकनेस को तुम ऐसे लिख सकते हो, डिकनेस थ्योरी, या फिर लिख सकते हो डिकनेसेस थ्योरी, ये दोनों सही होता है, बस समझ गए। यानी अपोस्ट्रोफ लगाना भी सही होगा और अपोस्ट्रोफ एस लगाना भी सही होगा। तो 4-5 नाम हैं ऐसे जो फॉरेनर का नाम है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वहां पर स्टॉफ या पर स्टॉफ एस लगा है तो दोनों ही सही माना जाएगा, जिनके अंत में एस है। चाहे तो इस रूल को आप अलग रूल में लिख लें, हिंदी में लिखवा दे रहा हूं कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अंत में एस होने के बावजूद उनके साथ अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफ एस लगाया जा सकता है। लिख लो, कुछ ऐसे नाम मतलब नेम है, नाम है जिनके अंतिम लेटर एस होते हैं के बावजूद,
के बावजूद उसमें अपोस्ट्रोफ एवं अपोस्ट्रोफेस लगाया जा सकता है। के बावजूद उसमें अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफेस लगाया जा सकता है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अंतिम लेटर एस होने के बावजूद उसमें अपोस्ट्रोफ या अपोस्ट्रोफेस लगाया जा सकता है। सबने एनापोस्ट्रोफेस लगाया जा सकता है एस होने के बावजूद भी। जैसे वर्ड यहाँ पे खुल करके आ गया, देखिए पहला शब्द क्या है, इट्स पोएम। अब इट्स एक व्यक्ति है जिसने कुछ पोएम होगा उसका, तो इट्स पोएम देखिए अपोस्ट्रोफ भी लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफ एस भी लगा हुआ है, तो इट्स पोएम, इट्स नॉवेल या इट्स ऐसा भी लिखिए। डिकनेस थ्योरी, डिकनेसेस थ्योरी देख रहे हो गौर से, बर्न्स नॉवेल, बर्न्स नॉवेल, किड्स पोएट्री, किड्स पोएट्री, ठीक है। इस तरह से मतलब कुछ भी लिखा रहे सही हो जाएगा। चाहिए तो इसको आप नोवेल की जगह पोएम ही कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो इट्स पोएम हो चाहे इट्स नोवेल को मतलब नहीं है। बर्न्स नोवेल, बर्न्स कुछ नाम, ये व्यक्ति का नाम है, बर्न्स का हिंदी मत पूछना, ये नाम है। डिकनेस नाम है, किड्स नाम है, तो चार शब्द हुए ना, चार ही है, आठ नहीं है। किड्स, किड्स, ठीक है। तो चार शब्द ध्यान रखना है आपको। और एग्जाम में कई बार देखा गया है किड्स को, इट्स को देखा गया है, और बच्चे वहां कंफ्यूज कर गए हैं, उनको लगता है कि एस लगाया तो अपोस्ट्रोफ कैसे लगाऊं। यहां पे एस लगा दीजिएगा, हाँ यहां पे ऐसे हो, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे करना होगा उसको। टाइपिस्ट ध्यान दीजिए, ऐसे होगा है ना, बाकी सब सही है ना, और कहीं गलती है, पहला तो सही है ना, इट्स अपोस्ट्रोफ पोएम, इट्स अ पोएम, डिकनेस, डिकनेस से ठीक तो है। हाँ कौन सा वाला ठीक तो है बेटा, वाई ए टी एस अपोस्ट्रोफ पोएम, वाई ए टी एस अपोस्ट्रोफ एस पोएम, ये काट दिया ना, डिकनेसेस, डिकनेस, बर्न्स, बर्न्सस, किड्स, किड्सस, ठीक है ना, कहीं दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट, अगला अभी देखो ना, फैक्चुअल पढ़ना ही पड़ेगा, इसको रास्ता नहीं है। अगर देखिए रूल नंबर नेक्स्ट, ए रूल आपको पढ़ा दिया गया है, यह रूल पढ़ा दिया गया है, इसलिए टाइपिस्ट इस रूल को हटा दिया जाए, यह रूल पढ़ा दिया गया है, क्योंकि यह रूल हो चुका है पहले, है ना जी। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में फादर इन लॉ कल पढ़ाया था हमने। रूल नंबर 7, अपोस्ट्रोफ एस शुड नॉट बी अटैच्ड विद समथिंग, यानी समथिंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते, एनीथिंग के बाद, एवरीथिंग के बाद, नथिंग के बाद। देखिए गौर से, अब समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। अब देखो, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग का मतलब वस्तु या व्यक्ति, कंफ्यूज। अरे जिसमें बॉडी लगा होगा, वन लगा होगा, उन्हें व्यक्ति होगा। थिंग का मतलब ही वस्तु होता है, थिंग का मतलब, तो वस्तु लिविंग कि नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफ लगता है क्या, क्या लगता है, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो क्या लिखा, अपोस्ट्रोफेस शुड नॉट बी अटैच्ड, अपोस्ट्रोफेस का प्रयोग मत करना, कहां भाई, समथिंग के साथ, कहां नहीं करना, कहां नहीं करना, कहां नहीं करना,
ऐसे इसमें करोगे क्या? इन दिस केस ऑफ सिस्टम शुड बी यूज्ड, ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो लिखो पहले, फिर एग्जांपल लिखना। ये जानबूझ के सारे रूल मैंने अंग्रेजी में लिखे हैं ताकि अंग्रेजी समझ में आए। हिंदी लिखूंगा तो अच्छा तो लगेगा आपको, बट सीखोगे नहीं। हाँ एकदम आसान भाषा है। apostrophe should not be attached with something, anything, everything, nothing. In this case, of system should be used. बताइए, एग्जाम्पल लिख लिए, चार एग्जाम्पल है आपको आपके सामने। हो गए बच्चे, उतार लिया। अब समझिए, बताइए यहाँ पे राइट रॉन्ग करिए थोड़ा सा। पहला सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? सेकंड इज, क्योंकि अभी थिंग के साथ apostrophe है। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? किसी का पत्ती है। राइट रॉन्ग कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, अगला रूल को लिखने से पहले समझना पड़ेगा। हटाओ इसको, एक लाइन में कह दिया apostrophe एस इज यूज विथ personified ऑब्जेक्ट। ये लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहां वर्ड बोल दिया personified ऑब्जेक्ट। समझिए गौर से, आप याद करो, आपको पढ़ा होगा personification ऑफ नाउन, उसी से लिया गया है टर्म में। तो personification क्या है? कि वैसा नॉन लिविंग नाउन जिसको हम लिविंग बना सकते हैं, वैसा नॉन लिविंग नाउन जिसको लिविंग बना सकते। अब समझिए इसका रूल हिंदी में लिखवाता था, क्या लिखवाता? मैं लिखवाता कि वैसे तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाया जाता है, वैसे तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाया जाता है, लेकिन उस नॉन लिविंग को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, देखने में बहुत विशाल हो, विशालकाय हो, उसकी तुलना व्यक्ति से की जाती हो, ऐसी स्थिति में उस नॉन लिविंग नाउन के साथ apostrophe एस लगाया जाता है, ऑफ लगाना गलत होगा, ऑफ लगाना। अब देखिए एग्जांपल दिया सन, अब सन विशाल है, व्यक्ति से तुलना की जाती है, बड़ा है, अद्भुत है, तुलनात्मक भी है, समझे ना? ऐसे इसमें हम ऑफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मैं बोल दूं कि द रेज ऑफ, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये बुरा मान जाएगा ये। यानी कि कभी भी हालत में
इसके साथ दरेज ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर। जैसे लव्स पावर, द पावर ऑफ लव बोलते हैं, गलत हो जाएगा। डेथ्स हैंड, द हैंड ऑफ डेथ, गलत हो जाएगा। ओशियंस डेप्थ, कोर्ट्स ऑर्डर, मून्स नेचर, है ना। द नेचर ऑफ मून कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बात समझना है आपको, लिख लो इसको। समझ में आ गया ना मुद्दा, हिंदी में लिखना है सकता, काम चल जाएगा ना यहां से। बस पर्सोनिफाइड का मतलब हुआ व्यक्ति से संबंधित। दरेज ऑप्शन लिख के काट देना। छोटा छोटा ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। पांच जनवरी से 11 बजे बैच शुरू कर रहा हूं, जिन बच्चों का छूट गया होगा वहां कवर कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम चला बच्चे तुम्हारा? वो जो मफसल लगाया है बच्चा, स्वेटर वाला, टोपी 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 टोपी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। याद लिख लिया, मून्स नेचर, NATURE। रूल नंबर नेक्स्ट में आइए। अगला कहता है, देखिए गौर से, एक बहुत ही फंडा समझिए, भारी ज्ञान सिर्फ पढ़ने से कम चलेगा। अब देखिए समझिए गौर से, ये कोई व्यक्ति पूछा कि राम क्या है, तो क्या बोलेंगे? नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। समझना गौर से, एक बहुत गुड रहस्य दे रहा हूं, राम क्या है जी? लेकिन जैसे ही हमने एपोस्ट्रोफ लगाया, ये बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया? कैसे सर? अब ये राम लिखा तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन चाहिए, क्योंकि हिंदी हो गया राम का, राम का। तो का के फुलफिल करने के लिए कुछ डालना पड़ेगा ना। तो जो काम राम्स करता है वही काम माई करता है। माय पेन, राम्स पेन। देखो राम्स के बाद पेन लगा दो, माई के साथ पेन लगा दो, तो जब माई के बाद पेन लग सकता है राम, तो जो काम जो नेचर है वो ही नेचर, इसका वक्त हुआ। तो नाउन से क्या बनेगा? ये एडजेक्टिव जैसा नेचर हो गया इसका, हो गया एडजेक्टिव। तो कहता है कि जब ये ऑलरेडी ले रहा है, तो क्या कहा इसको? तो जब माय ऑलरेडी नाउन ले रहा है, तो माय में तो अपोस्ट्रोफ लगा हुआ होगा ना पहले से, तो माय में अपोस्ट्रोफ लगेगा। वही रूल कहता है कि अपोस्ट्रोफ इज नॉट यूज्ड विद पजेसिव एडजेक्टिव, माय, आवर, योर, हिज, हर, दियर, ठीक, पजेसिव प्रोनाउन, माइन, योर्स, हिज, देयर, हर, इस तरह से। तो इन सब के साथ अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करते। जैसे कहीं लिखा मिलता है योर्स डॉटर, हम लोग पत्र लिखते हैं लास्ट में तो लिखते हैं योर्स डॉटर, योर्स सन, और बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा मिलता है। तो राइट है कि रॉन्ग है? समझा मुद्दा? तो योर ऑलरेडी पजेसिव है, तो अपोस्ट्रोफ क्यों लगा रहे हो उसमें? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? इसलिए योर्स ऐसे किताबों में लिखा मिले क्या करना, उसे काट देना है, गलत होता है। लिखिए रूल को, नहीं मिलता लिखा हुआ, हाँ देखना पुराना किताब जहां होगा पत्र लिखा हुआ तो वहां लिखा मिलेगा। लिखा ना योर्स फेथफुली, तो गलत हुआ ना। हाँ क्या करो उसको? हाँ बहुत सुंदर। देखो लिखा है, हाँ योर्स फेथ पे लिखा है ना, गलत हो जाएगा।
apostrophe s is not used with possessive adjective my our your his her their dot dot कमा को दो चार बड़ा और आएंगे possessive pronoun mine yours his hers theirs इस तरह से एग्जाम्पल दिया है लिख के काटना एग्जाम्पल पहला गलत दूसरा सही तीसरा गलत चौथा सही आराम से लिखिए ये योर्स डॉटर गलत है ये सही है ये गलत है ये सही है यहाँ पे अगर एस नहीं भी होता तो भी सही होता लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि योर्स यहाँ पे प्रोनाउन होता है उठाऊंगा आराम से पहले यहां तक आराम से समझ लीजिए एग्जांपल देख समझाया हूं सीधा हर हाल में आज केस खत्म करूंगा चाहे शाम के चार क्यों न बज जाए चिंता ना करो बजेगा नहीं घबराओ कुछ बच्चा निराश हो गया पता नहीं क्या होगा उठाऊं इसको देखिए एग्जाम्पल लिख रहा है कि योर्स फेथफुली सही हो गया है ये वाला गलत है माय मदर इज मोर ऑनेस्ट देन हर्स बोलिए राइट है रॉन्ग है क्योंकि हर्स ऑलरेडी पजेसिव है तो फर्स्ट ऑफ क्यों लगा ये वाला माय वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स बिल्कुल सही है भाई तुम्हारी पत्नी से मेरी पत्नी ज्यादा सुंदर है ठीक है अगर यहां पे ऐसे होता तो गलत हो जाता क्लियर एक बार दो बार रिवीजन करना है घर पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आप अभी बिल्कुल ही आराम आराम से पढ़ा जा रहा है आगे बढ़ते हैं अगला देखिए इसको गलत काट दिया गया है ना ये पढ़ाई दिया बताई दिया ये सुनी होती है अगला अब देखिए यहाँ पे नोट नोट लिखने से पहले मेरी तरफ देखिए गौर से ये नोट क्या कहता है कह रहा है बच्चे कि जैसे योर वर्ड है देखिए गौर से यहाँ पे अब योर वर्ड है योर पजेसिव है यहाँ पे कोई ना कोई नाउन देना पड़ता है लेकिन योर का एक अलग से कॉन्सेप्ट बनता है कि यदि योर के बाद एक वर्ड है सेक एस ए सेक का हिंदी होता है के खातिर क्या होता है जी अगर के खातिर वर्ड आ जाए तो उस केस में मात्र एक वाक्य के लिए सेक ऐसा मजबूत वर्ड है कि अपने पहले वाले शब्द में अपोस्ट्रोफेस ले सकता है वो क्या कहा ले सकता है जैसे भगवान के खातिर नहीं बोलते भगवान के खातिर छोड़ दो तो गॉड्स सेक तुम्हारे खातिर मैं काम कर रहा हूं योर्स सेक उस केस में फर्स्ट ऑफ प्लेस योर के साथ सिर्फ आ जाए मात्र एक केस है और इस एक केस के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसको ए नोट टी नोट लिख दो लेकिन योर नामक शब्द के बाद सेक के लिए सुरक्षा सेक का हिंदी होता है के लिए के सुरक्षा खातिर के भलाई आ जाए तो योर में अपोस्ट्रोफेस लगाया सकता है ऐसे सेक के पहले वाले शब्द में एस लगाते हैं मतलब ऐसा लगाते हैं ये सब बहुत छोटी छोटी जानकारी है जो आपको महानता की तरफ आगे बढ़ा देगा सेक का मतलब के खातिर हाँ पर हो जाए
फॉर योर सेक तुम्हारे खातिर, गॉड सेक भगवान की खातिर, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, हाँ सेक के पहले एपोस्ट्रोफीस लगा सकते हैं, है ना, इसलिए हमने सकते वर्ड दिया है, लगा सकते हैं, लगाया सकता है, मतलब सा का साउंड सेक के पहले होना चाहिए, जस्टिस, गॉड्स, गुडनेस। जितना मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम में यहीं से आ गया, इससे बाहर आता ही नहीं आज तक। एग्जाम में भी इसी वर्ड्स में से कोई एक वर्ड रहेगा वहां भी, इसलिए सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्लास का नोट्स ही, कोई किताब से पढ़ना ही नहीं है, जितना नोट्स है उतना ही तैयारी करिए, उतने से एग्जाम पास कर जाएंगे। आगे बढ़े, नीचे करो, अभी पेन चलाइए तेज, नहीं तो आज बिठा लूंगा लंबे टाइम तक। कोई नहीं, आराम समझते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कल का पूरा क्लास रहेगा आपके डाउट के ऊपर, जो नाउन का है, हर बच्चे किताब लेकर आएंगे नाउन का, सामने देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता, आप बनाओगे, मैं बैठूंगा, मैं आंसर बताऊंगा नहीं, समझ रहे ना, मैं अनजान बन जाऊंगा आपके जैसा, फिर देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो कल लड़का, कोई लड़का क्लास मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल पूरा का पूरा क्लास में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे नहीं बनता है, कैसे क्या बनता है। हाँ, जस्टिस सेक, न्याय के लिए, ठीक है, जे यू एस टी आई सी, स साउंड है ना, ठीक तो है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला रूल कहता है, थोड़ा फैक्चुअल लिख दिया फटाफट, क्या कहता है जाई, पब्लिक, विलेज, सिटी के साथ कोई शब्द आए तो ये अपोस्ट्रोफी, ए वाला एस नहीं रहेगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, यानी जैसे बोलते हैं पब्लिक प्लेस, विलेजेज लाइफ, सिटीज लाइफ, सब गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पब्लिक प्लेस गलत है, सही क्या होगा, सिटी लाइफ सही है, सिटीज लाइफ, अगर ऐसा बोल दूं सिटीज लाइफ तो क्या हो जाएगा, गलत। पब्लिक डिमांड, अगर पब्लिक में फर्स्ट ऑफिस क्या हो, गलत हो जाएगा, ये वाला सही है, यानी पब्लिक विलेज सिटी के साथ कोई शब्द लगाओ तो उसमें एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गांव का जीवन, का के की का अंग्रेजी नहीं होता वहां, गांव का जीवन, विलेजेज लाइफ गलत है, है ना। जैसे ऐसे बोलते हैं वी आई डबल एल ए जी ई एपोस्ट्रोफीस लाइफ, हमने बोला गांव का जीवन, गलत हो गया, बोलना पड़ेगा विलेज लाइफ, है ना, द लाइफ ऑफ विलेज बोल सकते हो, ठीक है। देखो लिख तो दिया हूं, अगला रूल अलग है, वो यहां तो दिक्कत, पब्लिक विलेज सिटी के साथ एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़े बच्चे, एवरीथिंग इज ओके, आगे बढ़े, रूल नंबर नेक्स्ट में आइए। कह रहा है नेक्स्ट रूल, कह रहा है बेटा कि आपने पढ़ा होगा, नाउन में पढ़ाया होगा कि द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन, याद आ रहा है। द रिच का हिंदी क्या होता है, द रिच का हिंदी अमीर लोग, द पुअर मतलब, द ब्लाइंड मतलब, द डीफ मतलब, द ब्लैक मतलब, तो लोग तो हो गया ऑलरेडी, तो चूंकि ये एडजेक्टिव है
इसलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहो तो ऑफ सिस्टम, अब हमको बोलना है गरीबों का जीवन, क्या बोलना है? गरीबों का जीवन, हमने बोल दिया द पुअर्स लाइफ, क्या हो गया ये? द पुअर लाइफ, द लाइफ ऑफ पुअर, उतार लो, एक बार रिवीजन कर दो, काम खत्म है फटाफट, दो चार हजार क्वेश्चन बना लो, हलवा हो जाएगा। उतारिए इसको आराम से, बोलो, उतार लिया, आगे बढ़े। अगला रूल बहुत आसान है, हो गया बेटा, लिखो एक प्रॉब्लम से। द पुअर लाइफ सही होगा, द लाइफ ऑफ पुअर भी सही होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या का देखिए, कह रहा है कि अपोस्ट ऑफ एस इज अटैच्ड विद द नेम ऑफ सीजन, यानी कोई भी सीजन का, जाड़ा गर्मी बरसात बोलते हो ना, विंटर है समर है, जो भी मौसम होगा, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हो। फिर लिखा है ना चाहो तो ना लगाओ, ना चाहो तो ना लगाओ, सेंटेंस राइट ही होगा, मतलब चाहो तो अपोस्ट्रोफ एस लगाओ, ना मर्जी हो ना लगाओ, ना मर्जी हो ना लगाओ, सेंटेंस इज राइट, यानी सेंटेंस तुम्हारा सही होगा, अपोस्ट्रोफ लगाओ चाहे ना लगाओ। तो भी मजेदार रूल हो गया, जैसे हमने बोला अब विंटर हॉलीडे, ये भी सही है, अब विंटर हॉलीडे भी सही है, समर्स डे भी सही है। नीचे नोट दे दिया कि अपोस्ट्रोफ कांट बी अटैच्ड विथ स्प्रिंग एंड ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम के साथ भूलकर भी अपोस्ट्रोफ मत लगाना, यही पूछेगा एग्जाम में। हाँ, तो सही कर दो ना उसको, इसका स्पेलिंग सही करिए, टाइपिस्ट, ए, ए इसी स्पेलिंग को यहां कॉपी करिए, होल दिया कर दिया है, नोट लिखे बच्चे, नोट तक हो गया, नोट तक, नोट तक हो गया, इसी के साथ आपका केस टॉपिक समाप्त हो गया। केस टॉपिक नाउन का केस भी समाप्त हो गया। अब नीचे कुछ कॉन्सेप्ट है जो दिखाऊंगा अभी, जो ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, चाहे तो पढ़े ना चाहे तो ना पढ़े, कोई एक्स्ट्रा जरूरी नहीं है, बट मैं चाहूं कि उसको देखिए, कुछ नया नॉलेज दीजिए, हो सकता है आने वाले समय में एग्जामर पूछ दे, जरूरत पड़ जाए, आपको एक नया काम दिया रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट निकाला गया जो आपको दिया जा रहा है। ऑटम मतलब पतझड़, इस एन को मत बोलना, ऑटमन मत बोलना, ऑटम, एन चुप रहता है, जब भी एम के साथ एन लगा गया हो तो उस एन को साइलेंट रखते हैं, यहां तक सबने।
द अपस्ट ऑफ एस स्प्रिंग में स्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑटम में ऑटोमेंस नहीं होगा। क्लियर हो बच्चे, आगे बढ़िए। अब एक कॉन्सेप्ट है जो आप समझिए पहले, बड़ा बारीकी से दिया गया है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ यहां पे है। कॉन्सेप्ट कह रहा है सीता इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, कहीं लिखा अगर ऐसा मिलता हो, कहीं लिखा अगर ऐसा मिलता हो तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग। तो आप को देखने में लग रहा है एक लाइन बड़ा खतरनाक लाइन है, कह रहा है सीता इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, अगर यहां पे अपोस्ट्रोफ नहीं होता तो सीता इज अ फ्रेंड ऑफ राम, राम का सीता क्या हो, दोस्त होती। लेकिन अपोस्ट्रोफ एस लगने से क्या हुआ वो समझिए, इसका मतलब हुआ सीता इज वन, टाइपिस्ट ध्यान दीजिए वन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वन ऑफ, सीता इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम। इसका मतलब हिंदी पता क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सीता इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम, यानी सीता राम के बहुत सारे दोस्तों में एक दोस्त है। इसका मतलब हुआ कि राम हैज मेनी फ्रेंड, राम के पास फ्रेंड्स, यहां क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो राम हैज मेनी फ्रेंड्स, सीता इज वन ऑफ देम। ये तीनों सेंटेंस एक ही है, ये तीनों को समझाने का प्रयास किया गया हिंदी में कि अगर ऐसा लिखा रहे तो आप क्या समझोगे, इसका हिंदी क्या निकालो, लैंग्वेज यही होता है। ये जानबूझ के मैं राइटिंग स्किल्स के लिए कॉन्सेप्ट दिया हूं, एक नया कॉन्सेप्ट याद किया हूं पहली बार, इससे पहले किसी भी पढ़ाया नहीं हूं, ताकि आगे भविष्य में कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप क्या समझो उसका मतलब। इसका मतलब हुआ सीता इज अ फ्रेंड ऑफ राम, का हिंदी निकला कि सीता इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम, राम हैज मेनी फ्रेंड्स, सीता इज वन ऑफ देम, इसका मतलब इतना भयानक हो गया। समझे बात, यानी सी राम के पास फ्रेंड कितने हैं, बहुत सारे हैं, उसमें सीता भी एक है। अब देखिए इस पर कैसे गलती होता है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, गलती कैसे, ये लिख लिया आपने, ये तीनों सही है, ये भी सही, ये भी सही, और तीनों राइट है, कहीं लिखा मिल जाए तीनों सही होगा। हिंदी समझ में आया ना, हाँ, ये तीन एग्जाम्पल नहीं है, इससे निकला ये, अब इससे निकाले हमने, तीनों एक ही लाइन है ना, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग दे रहा हूं जिससे की तरह आप थोड़ा सा सीखो, दिमाग खुलेगा आपका। उतार लिया पहला, दूसरे एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल नंबर दो, ये देखिए एग्जाम्पल दो का, डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ मोहन्स, डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ, लिखिए पहले नहीं तो ऊपर चला जाएगा ना, फिर नहीं दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर दो है ये, वो पहला पूरा था, डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ मोहन्स, डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ मोहन्स, डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ मोहन्स। अब देखिए इसमें कह रहा है कि डॉक्टर शर्मा पिता मोहन का, देखिए क्या हिंदी निकल रहा है, अगर ये अपोस्ट्रोफेस नहीं होता तो सेंटेंस बिल्कुल, लेकिन इस अपोस्ट्रोफ आने के कारण ये हो गया, क्या इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ द फादर ऑफ, यानी डॉक्टर मोहन जो है मेनी फादर है उसके, डॉक्टर शर्मा उसमें से एक है।
तो लिखा हुआ ऐसा संभव नहीं है कि अनेक पिता हो सारे गलत, यानी सारे क्या हो गया गलत। तो गलत कैसे होता है वो समझिए गौर से, इसी कारण एग्जाम्पल सारे क्या हो गए गलत, यानी पहला भी गलत था, यह भी गलत है और यह भी गलत है। समय मुद्दा अगर जाता डॉक्टर शर्मा इज मोहन फादर तो सही, ये भी सही होता, अगर मोहन फादर होता सही होता तो सही हो जाता, लेकिन यहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ बाइक वाला समझ में, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लड़के का, ऐसी रिवीजन करो तुम पहले से पीछे से। हाँ मोहन हैज मेनी फादर्स, इसके बहुत सारे पिता हैं, डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ दे, वन ऑफ तो कर तो दिया हमने, डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ द फादर, हाँ फादर साहब बोलो। ठीक है बच्चे यहां तक नो प्रॉब्लम, चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए कॉन्सेप्ट का दूसरा चरण, जहां तक कहा जाओ ताही लिखिए, यहां तो लिख लिया ना, ये लिख चाहो तो डॉक्टर शर्मा जो मोहन फादर का तो सही होगा ये, बाकी आगे बढ़ते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि अनेक पिता हों तो सारे क्या हो जाएंगे गलत। आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या कर सकते, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो लगातार नाउन पर अपोस्ट्रोफेस का प्रयोग नहीं होता है, अतः दूसरे नाउन पर से दो लगातार नाउन्स पर अपोस्ट्रोफेस का प्रयोग नहीं होता, अतः दूसरे नाउन्स पर से अपोस्ट्रोफेस को हटाना पड़ता है। लिखिए एग्जांपल, एक सेंटेंस में दो अपोस्ट्रोफेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पहले पढ़ा होगा मैं, हाँ दो लगातार नाउन्स पर अपोस्ट्रोफेस का प्रयोग नहीं होता, अतः दूसरे नाउन पर से अपोस्ट्रोफेस हटाते हैं, यहां हटाते नहीं हटाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं रिलेशन सेम, देखो वो जो कल पढ़ा था ए प्लस बी प्रोडक्ट सी, तो वो तो अलग अलग कॉन्सेप्ट ही था, सेम रिश्ता। यहाँ पे कह रहा है मोहन्स वाइफ्स पेरेंट्स, मतलब हिंदी पता क्या सोचा होगा वो सोचा होगा मोहन के पत्नी के माता पिता, मोहन के पत्नी के माता पिता, तो दो बार के आया ना, तो नियमता अपोस्ट्रोफ दो बार आना चाहिए, लेकिन एक सेंटेंस में दो बार अपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, तो यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, ये चारों गलत है। तो सही क्या होगा सर? ना 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 अभी सही नहीं बताऊंगा, द पेरेंट्स ऑफ मोहन्स वाइफ, एक में ऑफ लगाते हैं, एक अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, एक पहले भी क्वेश्चन आया था ना ऐसा, बताया होगा आपको, अब समझ में आएगा, अब क्वेश्चन बनेगा तुमसे, अभी बताऊंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। उस केस में क्या करते हैं, इसको पहले लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ लाएगा द पेरेंट्स ऑफ मोहन्स वाइफ, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा द पेरेंट्स ऑफ मोहन्स वाइफ, इसको उतार देते हैं और यहाँ पे ऑफ लगा देते हैं और यहाँ से इस हटा देते हैं, समझा,
अभी आएगा नीचे आंसर। ये सारे क्या है जी, गलत हैं। तो सबका सही क्या होगा भाई, तो सबका सही नीचे लिखिए। द पेरेंट्स ऑफ मोहन्स वाइफ, तो आपने क्या देखा, वहां से पेरेंट्स को लिया, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो द प्लस नाउन द पेरेंट्स ऑफ मोहन्स वाइफ। द लाइफ ऑफ लताज हस्बैंड, द डेथ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, द बिहेवियर ऑफ योर टीचर्स चिल्ड्रेन। है ना, द बिहेवियर ऑफ योर टीचर्स चिल्ड्रेन। नीचे करूं क्या, ऊपर चार यहां तक क्वेश्चन था, ये उसी का क्या है, ये सही है, ऊपर सारे गलत थे ना, ये सब सही। लिख लिया, दो और लिख लीजिए। द डेथ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, द बिहेवियर ऑफ योर टीचर्स चिल्ड्रेन। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ आपका केस समाप्त, केस फिनिश, यानी पूरे तरीके से केस, एक्स्ट्रा भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिया गया, सारे नियम कम समाप्त हो गए, जितना पढ़ना था उससे ज्यादा पढ़ाया गया, और केस पूरे तरीके से आपका नाउन क्लास खत्म हो गया। अब क्या करना है वो समझिए, अब करना ये है, नाउन का बुक दिखाइए किसके पास है, नाउन का किताब, और टेस्ट भी आप सबों को मिला होगा, तो जितने टेस्ट के पेजेज मिले हैं, जो बच गया जो टेस्ट नहीं हुआ है वो भी पेज लेकर के आना है कल, इसे टेस्ट का पेज जो नहीं हुआ वो भी टेस्ट पेज लेकर आना है, और ये वाला नाउन आर्टिकल प्रोनाउन वाला किताब होगा, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही कलर का मिला हो, हाँ वो ऐसा भी हो सकता, वो भी दिखाओ, दिखाता हूं, ऐसा भी हो सकता है जिसके पास ऐसा होगा उसको प्रीपोजिशन का किताब अलग से मिला होगा, जिसके पास ऐसा होगा उसको प्रीपोजिशन का एक्स्ट्रा बुक नहीं मिला होगा, ठीक, अंतर यही बस है, इसमें एक्स्ट्रा एक चैप्टर एडिटिव जोड़ा गया है, तो इसको जो मिला होगा उसको एडिटिव अलग से मिला होगा, कुछ ना कुछ होगा फंक्शन, ठीक है ना, तो ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई हो घबराने वाली बात नहीं है, पकड़ो इसको। अब इसमें चले जाइए, देखिए लिखा है 2000 प्लस क्वेश्चन, 1 2 3 4, तो 5 × 4 2000। अब इसमें जो लिखा हुआ उसको धीरे धीरे पढ़ना है, और इसमें से बेसिक हटा दिया है क्या जी, नया वाला में बेसिक हटा दिया है, ओ 30 पेज बेसिक है, ओके ओके समझ गए, अंडरस्टैंड। इसमें आ जाइए पेज नंबर 33 में, पेज नंबर 33 नया वाला में 33, पुराना में कितना है, इतने है, तो पेज नंबर 33 पे आएंगे तो इसमें बेसिक टेस्ट लिखा मिलेगा, नाउन बेसिक कॉमन एरर दिखा सबको, आप घर जाकर के इसको बनाइएगा, घर जाकर के बनाइएगा ये वाला,
34 बनाइएगा, 35 बनाइएगा, 36 बनाइएगा, जो मन करे बनाइएगा इसमें से, ठीक है। कल जब आप आएंगे तो कल का पूरा दिन, कल का पूरा क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे काम चलेगा। ये सारा क्वेश्चन आप खोल देंगे, फिर देखेंगे इसकी औकात कितनी है, समझ रहे हो ना। और मुझे पूरा भरोसा है तुमसे ही बनेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है कल ही तुम लोग कह दोगे सर आर्टिकल स्टार्ट कर दीजिए, समझ गया। अब प्रश्न उठता है कि आपसे नहीं क्यों बन रहा है, तो नहीं बनने के पीछे दो तीन कारण होते हैं। पहला कारण, रीडिंग हैबिट का अभाव। पहला मेजर कारण रीडिंग हैबिट का अभाव। होता क्या है कि जब हम पढ़े नहीं रहते तो कोई चीज अचानक से पढ़ते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। तो अभी आप क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आपने अभी अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाया होगा तो जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको लगेगा पता नहीं यार क्या है, क्या पूछ रहा है, ये कैसे बनेगा, क्या होगा, तो दिमाग काम नहीं करता है। समझ पा रहे हो ना, दिमाग काम नहीं करता। इसको बनाना कहां से, ध्यान दीजिएगा, इसको कोशिश करना बनाने का 33, 33, 34, 35, 36, 37, उसके बाद इसके पहले भी कुछ टेस्ट दिया गया है, इसको थोड़ा सा बाद में बनाना, हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे तुमको, ठीक है ना। जो पेज नंबर 20 पे दिया गया है ना, ये हो सकता है तुमको थोड़ा सा टफ लगे, 50 का सेट है तो इसको बनाओगे अलग ही टफ, उसको नहीं लगेगा। इसे भी बड़ा आसान है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, बहुत आसान है क्वेश्चन जो है, इज लगाया है, कैटल है तो आर होगा ना, तो ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन, टफ नहीं है, देखने में लग रहा है पता नहीं क्या होगा। तो यही मतलब दिमाग देखो, देखो पेज नंबर 30 पे देखो क्या, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले, तो पढ़ोगे तो कुछ गलती नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि अच्छा अच्छा कैटल जानवरों का झुंड, कलेक्टिव प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आर आना चाहिए। चेक करता हूँ आंसर, अच्छा 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 आर ही सही सही। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो ऐसी हरकतें कर देते हैं, तो करो कोई दिक्कत नहीं, आंसर देखना पड़े देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर देखने के बाद अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारा दिशा सही है, अगर देखने के बाद भी हवा न लगे तो दिशा गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग फेज है, अभी रास्ता बताने वाला चाहिए। जैसे याद करो तुम बॉम्बे जाओ, अगर मान लो बॉम्बे जाओ, तुमको कोई तुम्हारा भाई ने एड्रेस दिया कि ऐसे आ जाओ, तो क्या पता कैसे जाना है, तुम कैसे भाई ये ना ये बताइए तो कहां पे है, उसने कहा कि यहां से आगे जाना टी पॉइंट मिलेगा बाएं मुड़ जाना, तुम टी पॉइंट पहुंचने से पहले चार आदमी से और पूछेगा कि ये वाला जो एड्रेस वही है, हाँ अब टी पॉइंट अगर मुड़ेगा नहीं, मुड़ने से पहले फिर पूछेगा अच्छा ये रास्ते से जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अनजान हैं, हम लोग को यह लगता है कहीं भटक ना जाए। उसी प्रकार एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन अनजान है तो भटकाव होगा, भटकाव होगा तो सहारे की जरूरत पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो इसमें जो है ना बेटा, इसमें 7 सेट का शायद आंसर नहीं दिया गया है, दिया है आंसर नहीं दिया है, आंसर नहीं दिए, हमने गलती कर दिया है, तो ये मजबूरी है कि हम ही को बनाना पड़ेगा वो 7 सेट, समझा। तो अब से आंसर दिलवा दूंगा, तो कष्ट हो रहा है ना मुझे अभी, तो 7 सेट का आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है। 20 से 33 पेज से लेकर के ये 39, 40 नंबर पेज तक आंसर नहीं इसमें, इस किताब में आंसर नहीं है, तो इसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा, और वो कल का ही दिन है, तो कल तैयार होकर नहा धोवा के खाना वाना खाकर आना है, ताकि दिमाग खुला रहे। ये 7 सेट का आंसर कल ही करवाऊंगा बेटा, और इसमें करना क्या है, तो आप सारे लोग आज के आज 7 सेट बनाना है तुम लोग को। 7 सेट का मतलब मान चलो कि 250-250 क्वेश्चन है, हो जाएगा, तो इसको बनाना, तो उसमें हेल्प ये हो जाएगा मेरा कि तुम लोग बना लोगे ना, तब कल खाली बोलूंगा देखो इसका आंसर कौन सा, बोलोगे बी सर, मैं कहूँ कैसे ये गलती, खत्म, कहाँ आगे बढ़ जाएंगे फिर। लेकिन जो नल्ला नहीं करेगा फिर बाद में क्लेम मत करना मैं इसका नहीं बनता है, आज मौका दे रहा हूं पूरा करने का, पूरा जाके 7 से बना लो, अरे नहीं बनेगा ही ना होगा जी,
लेकिन तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन करेगा कितने पेज से, पेज नंबर 33 से, जिसमें बेसिक टेस्ट लिखा है। इसमें देखो लिखा है, पेज बता दूं कितना है, पेज बेसिक हो गया नाउन सेट 1, पेज नंबर 34 सेट 2, पेज नंबर 35 सेट 3, पेज नंबर 36 सेट 4, 37 सेट 5, 38 सेट 6, 39 सेट 7, 40। बस इतना ही, बाकी सब आंसर दिया हुआ है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कल शादी में जाना है तो शादी बेटा कर लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना। जाना क्या होगा, किसी में आंसर नहीं है, ओल्ड बुक में सेम पेज, सेम पेज है, पेज में पेज सेम ना है बच्चे, पेज में 33 है ना ओल्ड वाले बुक में। लाओ देखो दिखा देता, दो देखो जो ऐसा वाला किताब है ना बेटा, इसमें पेज नंबर 33 से ही शुरू है, ऐसा वाला पेज नंबर 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। सेट नंबर कहां तक सर, 7 तक, सेट 7 तक, सेट 1 7, और एक बेसिक फ्री वाला दे दो। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब करेंगे ना, तो आज आपको मैं छुट्टी दे रहा हूं, कर कर कल आइए, और नाउन को कल ही खत्म करेंगे और परसों से हम लोग आर्टिकल शुरू कर देंगे, ठीक है, आर्टिकल शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अरे पहले कल तो आओ, तो कल पूरा नाउन का टेस्ट रहेगा, जितना क्वेश्चन बनाओगे जो होगा पूछना फ्री, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। कुछ नाउन बुक नहीं है।